वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग दोस्तों। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही दर्दनाक दृश्य, क्योंकि आज मैं अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ मेडिकल में जाने वाला हूँ। तो मैं आपको वहाँ का हाल दिखाऊंगा कि कैसे लोग कैसे लोग जिंदा लाश बन गए हैं, कोई ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं है या फिर कुछ भी, कैसे वो अपनी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे भारत के युवा लोग जो एक देश का भविष्य होते हैं वो कैसे स्ट्रेचर पर पड़े पड़े सड़ रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ तो उनकी कमी है, कुछ स्टाफ का ढीलापन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के कैसे ढीले ढाले लोग कैसे मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं या फिर कितना टाइम उनको वो लगाते हैं ट्रीट करने में, और कितना तारीख पे तारीख दे के उनको चक्कर करवाते हैं इधर उधर आने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने और वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस नहीं हटाऊंगा, क्यों आप खुद सुन सकते हो कैसे लोगों हाय हाय कर रहे हैं। अंदर जाकर दिखाता हूँ, चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ एक्चुअल में सिस्टम हो क्या रहा है, कैसे कितना लोग भीड़ है भाई, आप कहें कितना भीड़ है, आप लोग खुद देख सकते हो जैसे किसी मॉल में लोग आए हुए हैं कुछ खरीदारी करने, इतना भीड़ है। अगर लोग अपना खान पीन पर कोई भी झूठ नहीं है और कोई भी एडिटिंग नहीं है, कैसे लोग यहाँ मेडिकलों में आके अपनी ज़िंदगी मौत से जूझते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आकर सारे लोग बूढ़े या फिर कोई बीमार लोग हैं, यहाँ पर अच्छे खासे लोग हैं जो यहाँ स्ट्रक्चर पर पड़े हुए हैं, ठीक है। और वीडियो में आप खुद देख सकते हो इस सब चीज़ों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग अपने कई लोग तो यहाँ पर, मैंने कल किसी से पूछा था कि नंबर ना आए या फिर कुछ उनके केयरलेस होने के कारण कुछ तो स्टाफ हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं तो लोग दम तोड़ देते हैं। हर एक घंटे में 8 से 10 लोग मेडिकलों में दम तोड़ देते हैं, तो वो भी किसी के माता पिता बहन भाई या फिर कुछ रिश्तेदार होंगे। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर किसी को आप स्वास्थ्य के लेके एजुकेट करो। और दूसरी बात ये है कि आप हर चीज़ को हल्के में मत लो, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। देश के युवा लोग स्ट्रक्चर पर पड़े हैं, कोई एक्सीडेंट है, कोई गाड़ी स्पीड से भगा रहा है, कोई बाइक से गिर गया, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश किया, तो उनका तो ठीक है, चलो उनकी किस्मत की बात है, लेकिन जो उनके साथ में लोग होते हैं परिवार में, फैमिली में, अड़ोस पड़ोस, वो भी दुखी हैं, क्योंकि उनका ऐसे करने से भुगतान तो सबको करना पड़ेगा। भीड़ लगी है भाई, भीड़ लगी है, जैसे शॉपिंग मॉल में लोग आए हुए ना, ऐसे भीड़ लगी है, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो में, कोई एडिटिंग नहीं कर रखी मैंने इसमें, ठीक है। और भी वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप भी खुद एजुकेट हो के खुद भी सुरक्षित रहो और दूसरों को भी, और अपने परहेज वगैरह करो, ठीक है। मेडिकलों में जाना कोई शौक की बात नहीं होती, और वीडियो में बस इतना ही था, और मिलता हूँ फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पर जो आपको बहुत कुछ सिखाने जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करो लोगों के साथ। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट।